हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब कोरोना काल में अपना अपना ख्याल बहुत अच्छे तरह से रख रहे होंगे। दोस्तों, आपने गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल का ट्रेलर देखा ही होगा, जिसकी कहानी बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है। वो ये दिखाती है कि हमारे देश के वीरों के साथ साथ हमारे देश की वीरांगनाएं भी बहुत बहादुर है। गुंजन सक्सेना कारगिल के युद्ध में लड़ने वाली पहली महिला पायलट है, जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में बड़ी ही खतरनाक परिस्थितियों में भी अपनी उड़ान भरी थी और वीरता दिखाई थी। आज हमारे साथ रितु भालाड़ा उसी वीरता की बातें करेगी और गुंजन सक्सेना की स्टोरी को प्रेजेंट करेगी। गुंजन सक्सेना का जन्म सन 1975 में हुआ था। उनका जन्म सैन्य संस्कारों वाले परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण भी देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले संस्कारों से हुआ था। उनके भाई और पिता दोनों ही सेना में कार्यरत थे और इसीलिए उन्होंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय की हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट होकर सशस्त्र सेना में जाने का डिसीजन लिया। जब गुंजन 5 साल के थे, तब उन्होंने पहली बार कॉकपिट देखा और उसे देखते ही उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट उड़ाने का सपना देख लिया। सन 1994 में गुंजन उन 25 युवा महिलाओं में से एक बनी जो भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग पायलटों की पहली महिला बैच थी। उस समय महिला पायलटों को हमलावर हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट उड़ाने की परमिशन नहीं थी। इस दौरान उन्हें पता चला कि IAF में पहली बार महिला पायलटों की भर्ती हो रही है, इसलिए उन्होंने SSB की परीक्षा पास करी। महिला पायलटों को सन 2016 से फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है, लेकिन गुंजन सक्सेना ने सन 1999 में ही भारतीय वायुसेना में पहली बार जेट प्लेन उड़ाकर इतिहास बना लिया और एक मिसाल कायम कर दी। तो बचपन का सपना आखिर साकार हो ही गया। दरअसल बात यह है कि कारगिल के युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पायलट की जरूरत पड़ी। गुंजन सक्सेना को तब युद्ध क्षेत्र में भेजा गया और तब गुंजन सक्सेना को लगा कि मेरा बचपन का सपना साकार हो रहा है और साथ साथ अपना देश प्रेम उजागर करने का मौका भी मिल रहा है। कारगिल के युद्ध में सेना ने गुंजन को घायल सैनिकों को वापस लाने की और साथ साथ पाकिस्तानी पोजीशंस पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी। गुंजन को एक ऐसे एरिया में उड़ान भरनी थी जहां पर वो पाकिस्तानी मिसाइल्स का शिकार कभी भी बन सकती थी, लेकिन फिर भी पराक्रमी गुंजन ने छोटे चीता हेलीकॉप्टर के साथ युद्ध क्षेत्र में पहली बार उड़ान भरी। पाकिस्तानी तोप और मिसाइल्स के सामने चीता हेलीकॉप्टर की कोई औकात ही नहीं थी, क्योंकि चीता हेलीकॉप्टर हथियार रहित होता है, लेकिन फिर भी गुंजन ने जान की परवाह किए बिना उत्तर कश्मीर के उस खतरनाक एरिया में उड़ान भरी थी। उस एरिया में पाकिस्तानी सेना किसी भी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को देखकर सीधा ही उसे निशाना बना लेते थे। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गुंजन कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल से एकदम नजदीक से उड़ान भरती थी ताकि पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशंस के बारे में पता लग सके। ऐसे में एक बार वो कारगिल हवाई पट्टी से उड़ान भर रही थी और उड़ान भरते ही पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल से उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बना दिया। वो मिसाइल हेलीकॉप्टर से लगते लगते बची और पहाड़ों से टकरा कर फूट गई। तब गुंजन को अपनी मौत सामने दिखाई दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर भारतीय सैनिक की तरह वो भी देश के लिए जान देने के लिए तैयार थी। वो तो उनके खून में ही था। अपने बचाव के लिए गुंजन के पास सिर्फ एक राइफल और एक रिवॉल्वर थी, जिसका यूज भी वो तब ही कर सकती थी जब उनका हेलीकॉप्टर दुश्मन के एरिया में क्रैश हो। गुंजन का इरादा सिर्फ और सिर्फ यही था कि कैसे वो घायल सैनिकों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके। गुंजन के उत्साह को देखकर सैनिकों में भी उत्साह बरकरार रहता था। गुंजन का मानना था कि एक हेलीकॉप्टर पायलट के लिए इससे अच्छा एहसास और क्या हो सकता है कि वो युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को अस्पताल पहुंचा रही है और इस तरह किसी की जान बचा रही है। वेरी ब्रेव गर्ल। गुंजन का मानना है कि कारगिल के दौरान
भारतीय सेना के घायल सैनिकों को सुरक्षित लाना उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी। उनका ये साहस और दिलेरी के बदले भारतीय सेना ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। भारतीय सेना द्वारा शौर्य चक्र पाने वाली ये पहली महिला है। वो हर एक महिला के लिए एक एग्जाम्पल है। उन्होंने भारतीय सेना सिर्फ पुरुषों के लिए ही है ऐसी मानसिकता को खत्म किया है। तो दोस्तों, ये थी गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की स्टोरी, जिसे प्रेजेंट करती हुई फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल आ रही है, और जिसमें गुंजन सक्सेना का रोल प्ले कर रही है जाह्नवी कपूर। तो ऐसे ही हमारे वीर और वीरांगनाएं की स्टोरीज लेकर आएंगे हम फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।